अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉफ़ी बनाने का तरीका। इंतहाई जायकेदार बनती है। वैसे कॉफ़ी हर किसी को बनानी आती है, लेकिन हर किसी के बनाने का स्टाइल अलग रहता है। आज हम आपको हमारे स्टाइल की कॉफ़ी शेयर कर रहे हैं, इंतहाई जायकेदार बनती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 2 से 3 कप दूध लिए हैं और हम यहाँ पर ये वाली कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। आप इसके बजाय ब्रू कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर लिए हैं 3 कप के लिए। हम यहाँ पे 4 चम्मच शक्कर इसमें ऐड कर रहे हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये शक्कर भी इसमें चली गई है। इसको हम गैस पर रख लेते हैं और इसका फ्लेम हम हाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध अच्छे से पक रहा है। इसको हम एक बॉईल आने तक ऐसे ही पकाते रहना है। इस दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है, इसका फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कॉफ़ी को कट कर लेंगे और इसकी सारी कॉफ़ी ग्लास में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी ऐसे बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है। इस कॉफ़ी पाउडर को दूध में डाल के पकाया भी जाता है, लेकिन आज हम आपको हमारे स्टाइल की कॉफ़ी शेयर कर रहे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर रहे हैं। ये जो कॉफ़ी का दूध है हम बाकी के दूध में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, हमें स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे यहाँ सभी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पीनी है तो आप इसकी क्वान्टिटी कम भी रख सकते हैं। गाइस, अगर आप डालगोना कॉफ़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोड की गई है। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। तो हमारी गर्मा गर्म सी मज़ेदार सी कॉफ़ी बनके तैयार हो चुकी है। कॉफ़ी के आखिर में गर्म दूध ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मज़ेदार सी कॉफ़ी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएँ और इसे इन्जॉय करें। आपको हमारी कॉफ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं कौन्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।